तो हाईवे में चलते चलते अपने को दिख गई संतरा की खेती। अरे अपनी टाटा विस्टा इसी से हम लोग घूम रहे हैं, बिना पटरी वाली रेलगाड़ी चल रही है। नहीं नहीं, विचित्र बोलते क्या है, जमजी का भाई है ये है। थोड़ा उड़ीसा टाइप का खाना है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसी झील देख रहा हूँ जिसपे सिक्कों की भरमार। जो इधर का सीन लग रहा है ना, क्या अमेजिंग बनाए हैं, क्या पिलर्स में प्रतिमाएं बनी हुई हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग आ गए हैं सूरा वर्डी नागपुर में। तो सामने का एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। तो ये रहे अपने सूरावर्डी के शंकर भगवान जी। और आज हो गया ऐसे घूमते घूमते हम आ गए, काफी लोग हैं साथ में, मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये अपने हरी बोलो अंकल जी। तो अपन इधर घूम रहे हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छा लोकेशन, जबरदस्त है यार, मजा आ गया इधर आके। जय श्री राम। फर्स्ट टाइम मैं ऐसी झील देख रहा हूँ जिसपे सिक्कों की भरमार, मतलब इतने ज्यादा इसमें सिक्के पड़े हैं। पहले मैं सपनों में देखता था कि ऐसे सिक्के निकलते हैं, लेकिन रियल टाइम में 10 के 5 के 1 के 2 के। तो वहाँ पे राम लिखा हुआ पत्थर है जो तैर रहा है, सिक्के डाले हुए हैं अपनी कुछ मन्नतें पूरी करने के लिए। तो अभी अपन सीढ़ी से जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर का देखते हैं कैसा व्यू है। लेकिन वहाँ सुनने में आ रहा कि वहाँ कैमरा वैमरा वीडियो लेना सख्त मना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, जूता उतारने के लिए स्टैंड इधर बना है, चोरी चोरी बना रहा हूँ वीडियो, बाकी यहाँ अलाउड नहीं है और बनाइए भी नहीं। कृत्रिम रूप से बनाई गई गुफा है, ऐसा आपको लगेगा कि ये रियल गुफा है। ये पूरा नव दुर्गा गुफा का हुआ है दृश्य। अभी आप देख सकते हैं ये हम नौ दुर्गा गुफा के अंदर हैं। यहाँ पूरे नौ जितने भी दुर्गा माता होती हैं सभी की मूर्ति यहाँ बनी है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कूलर पंखा लगाए हैं लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी है। पूरी गुफा घूम के हम लोग आ चुके हैं बाहर, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही शानदार अमेजिंग व्यू। और धूप की वजह से उतनी पब्लिक अभी नहीं आ रही है, बाकी मेरे हिसाब से इधर ठंडी में ज़्यादा माहौल रहता होगा। अभी जो इधर का सीन लग रहा है ना, क्या अमेजिंग बनाया है यार इसके अंदर का, मतलब इतना अच्छा व्यू, इतना क्या बताऊँ, ऐसा मैं आज तक कभी मतलब देखा ही नहीं। तो आज जो अपना घूमने का प्लान है, फैमिली के साथ अपन घूम रहे हैं, मतलब फैमिली है, किसी और की फैमिली है, मेरी फैमिली नहीं है, तो उनके साथ अपन घूम रहे हैं। और कब तक घूमेंगे पता नहीं, और कहाँ जाने वाले हैं वो तो आपको वीडियो में पता चलता रहेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। हसमुख अंकल है तो ये हमारे सबसे बढ़िया भैया जी हैं, अंकल इनको मत बोला करो क्योंकि ये अभी मेरे से 2 साल छोटे हैं, फिर भी मैं इनको भैया बोलता। ये हमारा छोटा वाला भाई साहब है, इनका बात को कभी ध्यान मत लीजिए, कभी गलती से मैं इनको भुला बोल का चटका आदमी है, कभी गलती से मैं इनको अंकल बोल देता ना तो ये नाराज हो जाते। नहीं किसे पर्सनालिटी देख के बोलना चाहिए ना, अभी बोलिए।
तो हाईवे में चलते चलते अपने को दिख गई संतरा की खेती, थोड़ा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। मैं तो पहले कभी नहीं देखा इससे पहले, लेकिन अपने साथ जो है अपने थोड़ा मित्रगण लोग, उनको ये संतरे की खेती देख के बड़ा अच्छा लगा, तो बोले थोड़ा देखते हैं और मैं भी देखूंगा। ये पूरा संतरे की खेती है, आप लोग देख सकते हैं, फिर मैं जूम करके दिखाऊंगा। बाकी संतरा यहाँ पके हुए भी हैं, तोड़ तो नहीं सकते हैं किसी का, क्योंकि कोई ना कोई होगा पक्का। तो ये संतरे का क्लोजअप व्यू आप देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूँ संतरा, ऐसे संतरे की खेती देख रहा हूँ। ये संतरा कैसे दिख रहा है, मतलब ये लगता है नींबू टाइप लग रहा है। ये देखिए पके हुए, ये रही अपनी टाटा विस्टा, इसी से हम लोग घूम रहे हैं। और आज बहुत पब्लिक बैठी है अपनी गाड़ी में, पब्लिक मीन्स 5-6 लोग बैठे हैं एक गाड़ी में, पर झमाझम चल रही है गाड़ी, एक नंबर। ये देखिए, तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग हैं अदासा में, वो सूरा बाल्टी घूमने के बाद हम लोग आ गए हैं अदासा। और यहाँ प्रसिद्ध गणपति का मंदिर है, सब लोग टूरिस्ट बनाने आते हैं। अच्छा, पिकनिक मनाने, बार बार से भी लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। क्या बात है, और लोकेशन क्या शानदार, जबरदस्त वाली लोकेशन है इधर की, वहाँ पटरी वाली का मंदिर है। ट्रेन चल रही है इधर तो, बिना पटरी वाली रेलगाड़ी चल रही है, पहली बार जिंदगी में देखा हूँ मैं बिना पटरी की रेलगाड़ी, अच्छा लगा देख के। यूटर्न मार रही है, अपन भी थोड़ा सा पिकनिक मनाएं। पिकनिक मीन्स कि सूरा बाल्टी गए तो वहाँ खाना वाना नहीं बनाए, अब इसके बाद अदासा आ गए हैं तो यहाँ खाना भी बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या बनने वाला है। नवरात्र चल रहा है तो हम लोग कुछ गलत बनाने वाले नहीं हैं, अच्छा ही बनाएंगे तो। पूरा मंदिर ही मंदिर है चारों तरफ, और बहुत बढ़िया प्रांगण है, देख सकते हैं जो, मतलब इधर साफ सफाई एकदम अच्छे से है। तो अदासा की आपको बात बताऊं तो यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, और यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम लोग भी आए हैं पिकनिक ही मनाने। और अभी दिखाते हैं कि अपना क्या बन रहा है इधर का सिस्टम। ये है सादा भेज वाला खाना। हम लोग अदासा आए हैं और यहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, अच्छे मंदिर है यहाँ पे, हमारे पूरे गेस्ट लोग भी आए हुए हैं बाहर से, उड़ीसा से। ये शर्मा जी है, अब मैं सुशांत बंधु भाई बोल रहा हूँ, और अपना सब मैं सबसे बड़ा हूँ, विचित्र विचित्र बोलते किसका, विचित्र है काम करने में, चोरी है। अरे नहीं नहीं नहीं, विचित्र बोलते क्या है, जम जी का भाई है, जो जम है ना, जम का भाई है विचित्र। आप बताए ना, बांग्लादेश से इनके लिए भी लेके आओ, हमारे भाई के लिए ये चक्कर और रख देते हैं यहाँ पे। ये हमारा दामन जी है, बिपिन सेन, इनका उजला नाम है लागालाल। सबसे बड़े काम चोर हैं, काम करने के लिए भागे रहते हैं इधर उधर, अब बैठ करके इधर रहते हैं उधर रहते हैं, बहन के बगल में बैठते हैं, अभी तक पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लो विचित्र जी जो है खानदानी खाना बनाने वाले में से आए, और हम लोग लिए खाना बना रहे हैं। ये हमारा छोटा भाई है, बहुत काम कर रहे हैं, तब जब से आए तब से काम में मिले हैं। और ये दीजिए वा सरपंच, पूर्वतन सरपंच, और सुनिए ये हमारे दामाद जी है, पहला सर पूर्व ना, ये दामाद के बगल में उनके मिसेज बैठी हुई है, इधर मुंह दिखाइए आप, और ये जो है मत छुपाए कृपया, ये हमारी बेटी है सामने बगल में बैठी हुई है, ये मेरी छोटी बेटी है, इधर हमारा छोटे बेटी है, उधर बड़े बेटी है, वो अपना हीरो है, ये हमारे एक दामाद में से आते हैं, वो खाना बना रहे हैं, अपना हीरो है, हीरो है, हीरो कुक में भर्ती किया हूँ मैंने, हीरो है, हीरो है, ये अपना हीरो है। अभी डांस करने का तैयारी चालू है, अभी डांस चालू होने वाला है, बोल दो। अच्छा कुमार, ये बगल में हीरो के मम्मी है। ये मौसी है उनकी।
हो इधर, ये मामा है बैठे हुए, ये हमारा भांजी है, ये मेरी भांजी है, इसका मामा है बगल में, हाँ हमारा भांजी है, कुछ बोलना है बोल दे, हमारा बेटी है, वाह शर्मा जी की बेटी है वो, लेकिन बंधु बोलता है मेरी बेटी है। मैं तो समझा नहीं। नहीं नहीं तुम बच्चे हो फिर। अभी हम लोगों का खाना रेडी हो चुका है और हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं और देख सकते हैं कितना शानदार खाना बना है। थोड़ा उड़ीसा टाइप का खाना है, पहली बार अपन लोग खा रहे हैं, देखते हैं। उड़ीसा का बहुत स्वादिष्ट खाना है, सही में है ना, और इसमें नींबू डाल के खाना ही पड़ता है, नींबू तभी मजा आता है, नींबू है ना, है नींबू स्वादासा में गणेश मंदिर की तस्वीर आप देखिए क्या शानदार लग रही है यार एकदम से। अभी मैं जब से इधर आया तो अभी इस साइड पहली बार आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं था इधर इतनी मस्त मंदिर है, इधर भी आना चाहिए। हाँ ब्लॉगिंग तो कर रहा है, बहुत ही शानदार मंदिर बनी है, यहाँ गणेश जी का मंदिर है। काफी बढ़िया व्यू लग रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में कुछ भी चीज अगर रहेगा ना तो अच्छा ही लगेगा देखने में। राम झूला है, आज सुबह से हम इतना घूमे कि घूमते घूमते इतनी बेहतरीन जगह पे आ गए हैं कि आपको दिखाऊंगा ना तो मजा ही आ जाएगा। दिस इज अ स्वामीनारायण मंदिर, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन द नागपुर। और अपने गोप्रो में अब बैटरी भी बहुत कम बची है, 9% बैटरी है, थोड़ा बहुत अपन शूट कर लेते हैं। हालांकि यहाँ कैमरा वैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा ठहरे बेकार किस्म के आदमी तो ऐसे चोरी से ले आए हैं और छोटी सी ऐसी वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे भी नहीं। मतलब सुबह से हम पहले सूराबाड़ी गए, इसके बाद फिर अदासा गए गणेश मंदिर, इसके बाद अब आ गए स्वामी नारायण मंदिर। क्या व्यू आ रहा, रात हो गई है। ओ पिलर्स, अरे बाप रे क्या पिलर्स में प्रतिमाएं बनी हुई हैं, मैं तो अनएक्सपेक्टेड। अरे संग्राम, किसी ने आज तक नहीं बनाया ब्लॉग, संग्राम। बहुत ही अमेजिंग व्यूज पूरा जो भी है, और गोप्रो मेरा शट डाउन होने वाला है, बट जब तक शट डाउन नहीं होगा तब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।